नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराज महाराजा हरि सिंह बहादुर की छुट्टी का मुद्दा जो है वो लगातार गहराता जा रहा है और जम्मू की जनता ये लगातार मांग करती जा रही है कि महाराजा हरि सिंह को अगर सम्मान देना है, असली में सम्मान देना है, तो उनके जन्म दिवस पर छुट्टी जो है वो घोषित की जाए। लेकिन पिछले करीबन 5-6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी और तब से लेकर ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ये मांग तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महाराजा हरि सिंह बहादुर की मूर्ति की स्थापना जो है वो यहाँ पर हुई है और किस तरह से यहाँ पर उनको सम्मान देने की बात जो है वो कही जा रही है। रविंद्र 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे माननीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहां उपस्थित महामंत्री डॉक्टर मनियाल जी, विभोद जी, यहां युद्धवीर सेठी जी, टीडीसी के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह जी, राजपूत सभा के अध्यक्ष और भारतीय पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर नारायण सिंह जी, शक्तिराज परिहार साहब, श्यामलाल चौधरी साहब और हमारे ओबीसी मोर्चा के रशपाल जी, ब्रह्म जी, अंकुश जी, यहां उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहां प्रभात सिंह जी और बाली भगत जी, बलदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रामबन से नीलम लंगे साहब, यहां आए हुए सभी जितने भी सहयोगी हैं, जनरल गोवर्धन सिंह चंदवाल साहब और ऑनरेबल कारपोरेटर्स, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, सभी कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और मंच का संचालन कर रहे हरि सिंह बहादुर साहब का आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। वहीं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय हेडक्वार्टर में आज महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा को यहां स्थापित किया गया है और उस महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। इससे पहले भी जम्मू शहर के अंदर जो महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब की खूबसूरत प्रतिमाएं चारों ओर यहां स्थापित की गई है, ये सब भारतीय के प्रयासों से हुआ। हम सब जानते हैं जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर श्रीमान कविंद्र जी गुप्ता थे, उस समय जम्मू पुल के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी की विशाल प्रतिमा को वहां लगाया गया था। आज बड़े शान से गुजरते हुए तभी वृक्ष के ऊपर से हमें महाराजा हरि सिंह साहब के दर्शन होते। इसी प्रकार बीजेपी के ही प्रयासों से जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे माता बावे वाली जी की तरफ जाने वाले मार्ग के चौराहे में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की बेहद खूबसूरत प्रतिमा वहां स्थापित की गई। उसके बाद जब गठबंधन सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, आप सबको याद है, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से तवी के पास जो पार्क है, उस पार्क में एक विशाल काय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को वहां लगाया गया और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष पर एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा जो श्रीमान रविंदर सिंह जामवाल साहब, जो कि जम्मू के एक माने जाने शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, उन्होंने और उनकी श्रीमती वीना जामवाल साहिबा ने ये हमें उपहार स्वरूप भेंट करके आज यहां स्थापित करने का हमें मौका दिया। साथियों, हम सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह बहादुर एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, कट्टर देशभक्त थे। उन्होंने हमेशा
भारत देश की स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में हिस्सा लिया। जिस वक्त महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के अंदर यहां अपनी सेवाएं दे रहे थे, पूरे देश भर में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। महाराजा हरि सिंह जी एक क्रांतिकारी विचारों के जननायक थे। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, महाराजा हरि सिंह जी ने लंदन में जाकर भी उस वक्त भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का काम किया। साथियों, हम सब जानते हैं जब धीरे धीरे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और देश के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, सब मिलकर देश की आजादी की जंग लड़ रहे थे, उसी दौर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जो हमेशा भारत माता की जय जयकार कर रहे थे, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। लेकिन देश के अंदर उस वक्त जो शासक थे, विशेषकर ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मिलीभगत यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ हुई। देश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके राजाओं ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं राजाओं को घोषित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के बजाय यहां शेख अब्दुल्ला के हाथ में कमान दे दी। बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। महाराजा हरि सिंह बहादुर पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, अस्कारदू, तिब्बत देशाधिपति के नाम से प्रसिद्ध थे। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महाराजा साहब का बहुत मान सम्मान करते थे। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ साजिश हुई। महाराजा हरि सिंह बहादुर सच्चे देशभक्त थे। उस वक्त इन परिस्थितियों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और 22 अक्टूबर 1947 को मीरपुर पर पाकिस्तानियों ने हमला किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब, जो महाराजा जी की सेना के चीफ ऑफ आर्मी कमांडर थे, उन्होंने जंग लड़ी। महाराजा हरि सिंह बार बार सरदार पटेल साहब को, महाराजा हरि सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को भी पत्र लिखे कि यहां हमारे देश की सेना भेजी जाए और पाकिस्तान को खदेड़ा जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के दिल में बहुत बड़ी गद्दारी थी। गद्दारी का दूसरा नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, ये अगर आज पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है और गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और अक्साई चिन जो पूर्वी लद्दाख का भाग अगर चीन के नाजायज कब्जे में है, ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों से और इन कांग्रेसियों की गलतियों से। वरना महाराजा हरि सिंह जी ने जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को उस वक्त 1947 में और गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था, भारत का झंडा मीरपुर, कोटली, भिम्बर बाग, प्लंदरी, देवा, भटाला, गिलगित बल्टिस्तान, शकसम वैली, अक्साई चिन जैसे क्षेत्रों में तो होता ही होता, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में भी होता। लेकिन उस समय सत्ता उन गद्दारों के हाथ में थी जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की और भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा। और यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू जी ने एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया, जबकि यहां के महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। जब ये सारी स्थितियां देखकर महाराजा हरि सिंह बहादुर परेशान हो गए। एक तरफ पाकिस्तान ने हमला कर दिया मीरपुर, कोटली, भिम्बर, यहां तक कि बारामूला तक पाकिस्तान की सेनाएं घुस गई। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब और मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब जैसे प्रखर देशभक्तों ने तिरंगा बुलंद किया और पाकिस्तानियों से जंग लड़ी। ऐसे दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे पूजनीय सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु जी को सरदार पटेल ने भोपाल से विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर भेजा। क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर एक कट्टर देशभक्त थे,
पक्के हिंदुस्तानी थे, क्रांतिकारी थे। जब पूजनीय गुरु गोलवलकर साहब ने महाराजा हरि सिंह जी से बात की, दो दिन तक लगातार वार्तालाप होती रही। महाराजा हरि सिंह जी ने गुरु गोलवलकर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 26 अक्टूबर 1947 में विलय कर दिया और जम्मू कश्मीर को, पूरा जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा कर दिया। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, कांग्रेसियों ने गद्दारी फिर भी नहीं छोड़ी और जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेसियों की गद्दारी का परिणाम यह हुआ कि महाराजा हरि सिंह जी को, जो कि जम्मू कश्मीर के मालिक थे, राजा थे, महाराजा गुलाब सिंह जी के वंशज थे, उनको सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया गया। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इनकी मिलीभगत से हुआ। और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, हमारे प्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह साहब को अपनी ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनको जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। अंतिम समय तक, जीवन की अंतिम सांस तक महाराजा हरि सिंह जी मुंबई में रहे। फिर जब उनका, उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनकी अस्थियां, उनके फूल यहां जम्मू कश्मीर में लाए गए। इस प्रकार के महाराजा हरि सिंह बहादुर देशभक्त, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने तिरंगा झंडा बुलंद किया, जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 में जो भारत के साथ हुआ, वो महाराजा हरि सिंह जी की देन। इसलिए हम 26 अक्टूबर का दिन भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में मनाते, 26 अक्टूबर का दिन भी महाराजा हरि सिंह साहब की उस महान निर्णय को हमें याद दिलाता है, जिस दिन उन्होंने देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया। जैसे 23 मार्च का दिन अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी के बलिदान दिवस के रूप में माना जाता है, इसी प्रकार 26 अक्टूबर का दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग यहां मनाते हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने निर्णय किया। साथियों, हम सब जानते हैं, जब यहां जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया, उसके बाद यहां षड्यंत्र किए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, यहां परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया, दो दो झंडे और दो दो कानून लगा दिए गए। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ था, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ जो बड़े बड़े जम्मू संभाग के हमारे वरिष्ठ साथियों ने, पूर्वजों ने आंदोलन लड़ा, उस प्रजा परिषद के आंदोलन के सूत्रधार भी महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। जो प्रजा परिषद का आंदोलन यहां एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए चला, उस प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्यों में महाराजा हरि सिंह बहादुर थे और उस प्रजा परिषद के आंदोलन के सूत्रधार भी महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रेरणा और उनके सहयोग से पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब के नेतृत्व में यहां जबरदस्त आंदोलन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बिना परमिट जम्मू कश्मीर आए 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान हुआ। इस प्रकार के प्रचंड आंदोलन हुए, उसमें महाराजा हरि सिंह बहादुर ने हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। साथियों, आज 23 जून महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की जयंती है। आज 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, वहीं 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की जयंती है। आज 23 सितंबर का दिन है, आज के दिन हम अपने पूज्य महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को भारतीय जनता पार्टी
जम्मू कश्मीर कार्यालय में यहां उनकी प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। आज के इस पवित्र दिन हम सबको यह संकल्प लेना है, हम अपने देश को मजबूत करेंगे, भारत के राष्ट्रवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत करेंगे। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारी नेता हैं जो कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कभी तालिबान की भाषा बोलते हैं, कभी अलगाववाद की भाषा बोलते हैं। ये आतंकवाद की भाषा बोलने वाले, ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले और ये तालिबानियों की भाषा जम्मू कश्मीर के अंदर बोलने वाले, ये मौत के सौदागर हैं। इन्होंने मौत की लाशों पर राजनीति की है, ये भारत देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह बहादुर ने भारत माता के खिलाफ षड्यंत्रकारियों को हमेशा सबक सिखाया, इसी प्रकार हम सबको मिलकर एक होकर आज भी जो भारत माता के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना। आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर रही है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हम नहीं होने देंगे। हम महाराजा हरि सिंह जी के वंशज हैं, हम उस प्रजा परिषद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके सूत्रधार जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम जीवन के अंतिम सांस तक अपने भारत माता को, अपने तिरंगे झंडे को बुलंद रखेंगे और देश के खिलाफ इन साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब तक एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक हमारा स्वयंसेवक, एक एक जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त मौजूद है, शान से तिरंगा झंडा इस पूरे जम्मू कश्मीर में लहराता रहेगा। आज महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब के इस पावन जन्म दिवस के ऊपर मैं करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों को और देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के अंदर कार्य करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराई से आज इस पावन दिन की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम आगे मेहनत करेंगे और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जिस जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, वो आज का जम्मू कश्मीर से बड़ा जम्मू कश्मीर है। उसमें गिलगित बल्टिस्तान है, अक्साई चिन है, शकसाम वैली है, उसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाघ, पुलंदरी, देवा, पटाला, नीलम वैली है, ये सब भारत के क्षेत्र है। और आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो भाग जम्मू कश्मीर का है, वो महाराजा हरि सिंह जी ने उसका विलय भी भारत के साथ किया है, वो हमारा क्षेत्र है। आज नहीं तो कल हम उस क्षेत्र के अंदर भी तिरंगा झंडा फहराकर भारत माता की जय जयकार करें, ये संकल्प लेते हुए आज हम अपने पूज्य महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा साहब, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी मांग है आधिकारिक रूप से छुट्टी कब होगी, अवकाश कब होगा? आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह बहादुर की मूर्ति की स्थापना यहां पर की गई है, लेकिन जब सवाल छुट्टी का पूछा गया
तो फिर यहां से भागते हुए नजर आए बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बने रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ, नमस्कार।